जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुनेंगे द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली कथा। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान श्री हरि की उन पर विशेष कृपा होती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखने वाले साधक द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते हैं। पारण से पहले व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि व्रत का पूरा फल मिले। तो आइए अब शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, बोलो तुलसी माता की जय। आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार श्री हरि के जयकारे अवश्य ही लगाइए। आइए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक राज्य में अम्बरीश नाम के राजा रहते थे। वे राजा श्री हरि के परम भक्त थे। वे राजा पृथ्वी के सातों द्वीप और उनकी जितनी भी अतुल संपत्ति और ऐश्वर्य थे, उनको स्वप्न के समान ही तुच्छ मानते थे। उनका मानना था, जिस तरह से नींद खुलने पर स्वप्न टूट जाता है, उसी तरह से यह धन संपत्ति और राज्य सब कुछ क्षण भर के लिए ही है। क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन और वैभव के लालच में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिनों के लिए ही है। इसीलिए ही वे अपना पूरा ध्यान श्रीहरि के चरणों में लगाते थे। उनकी वाणी सदा ही भगवान के गुणों का गान करती थी। उनके हाथ श्रीहरि के मंदिर में मार्जन करने और वे अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण करने में लगाते थे। उन्होंने अपने नेत्रों को श्रीहरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी जी की दिव्य गंध में और जीभ को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कार्य यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे। और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी पर शासन किया करते थे। राजा अम्बरीश ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान किया करती। किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय स्वयं ही उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य में मनुष्य देवताओं के अत्यंत ही प्यारे स्वर्ग की इच्छा भी नहीं करते थे। वे सब राजा अम्बरीश के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर वहीं पर रहना चाहते थे। वहीं राजा अम्बरीश की प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो कि विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत रखने का नियम ग्रहण किया। और एक बार एकादशी व्रत समाप्त होने पर उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गाय सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा ली और व्रत का पारण करने की तैयारी करने लगा। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा मुनि जी उनके यहाँ पर अतिथि के रूप में आ गए। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए। राजा अम्बरीश ने ऋषि को आसन देकर बिठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी के तट पर चले गए। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना नदी के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर की ही शेष रह गई थी, तब धर्मज्ञ राजा अम्बरीश ने अपने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और
और द्वादशी रहते पारण नहीं करना, ये दोनों ही दोष है। इसीलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप नहीं लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने मिलकर विचार किया और उन्होंने राजा से ऐसा कहा कि हे राजन, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है, इसीलिए आपको इस समय केवल जल से पारण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। राजा अम्बरीश ने मन ही मन भगवान का स्मरण करके द्वादशी तिथि के अंदर ही जल ग्रहण किया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। वहीं दुर्वासा जी आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर जब यमुना के तट से लौटे तब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। तब दुर्वासा जी ने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने व्रत का पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी को बहुत भूख लगी थी, वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांटकर कहा कि ओहो, देखो तो सही यह कितना क्रूर है, यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने आप को बड़ा ही समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ किंतु फिर भी यह मुझे खिलाए बिना स्वयं ही भोजन ग्रहण करता है। फिर दुर्वासा मुनि ने कहा कि देख, अभी मैं तुझे इसका फल चखाता हूँ। ऐसा कहते कहते वह क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपने बालों से एक जटा उखाड़ी और उसे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक राक्षसी उत्पन्न की। वह राक्षसी कृत्या थी, वह आग के समान जलती हुई और हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और यह चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाले दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। तब दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल, वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र लोक, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक हर जगह गए। परंतु जहाँ जहाँ पर वे ऋषि गए, वहीं वहीं पर उन्हें असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा हुआ पाया। जब उन्हें कहीं भी कोई भी रक्षक नहीं मिला, तब वे बहुत डर गए। उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि ब्रह्मा जी की शरण में जाने की सोची। वे ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हे प्रभु, आप तो शंभु हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष, भृंगु, प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए हुए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिर पर रखकर हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने दुर्वासा मुनि की मदद नहीं की। जब ब्रह्मा जी ने दुर्वासा मुनि को निराश किया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तब शंकर जी ने कहा कि हे दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांड में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तब निराश होकर दुर्वासा जी श्रीहरि भगवान के परम धाम वैकुंठ की तरफ भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे, वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित है। हे प्रभो, संपूर्ण जगत के जीवनदाता मैं अपराधी हूँ, मेरी रक्षा करो। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभो, अब आप मुझ पर बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी,
मैं सदा ही भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भी भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ? इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं। परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा है। आप उन्हीं के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। यदि वे आपको क्षमा कर देते हैं तो आपको अवश्य ही शांति मिलेगी। ऐसा सुनकर दुर्वासा जी श्रीहरि को प्रणाम करके वापस लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और अत्यंत दुखी होकर उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर उनके चरण पकड़ने से लज्जित राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभो सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप है, आप भगवान के प्यारे हैं, हजारों दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र और शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण पर कृपा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते हो तो दुर्वासा जी की जलन तुरंत ही मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो तो वे मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी की ओर सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार से स्तुति की तब उनकी प्रार्थना सुनकर चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा जी की आग से मुक्ति हो गई तब उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों प्रकार के उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हो। हे महाराजा अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है, आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है और आपने मेरा अपराध भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से दुर्वासा जी चक्र से जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे दुर्वासा जी के लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधिपूर्वक भोजन करवाया। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे तब से लेकर उनके वापस लौटने तक एक वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पी कर रहे। दुर्वासा जी के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और वे स्वयं वन में रहने लगे और वहीं पर भगवान की तपस्या करने लगे। वे वहां पर बड़ी ही धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रभाव रूपी संसार से मुक्त हो गए और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले माँ लक्ष्मी की जय, बोले तुलसी माई की जय। अब आप सुनिए तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ननद और एक भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का अभी विवाह नहीं हुआ था। ननद की तुलसी जी में बड़ी श्रद्धा थी। वह उनकी प्रतिदिन बहुत सेवा करती, नित्य प्रति पानी डालती, जोत जलाती और आरती करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं बारातियों को तुलसी ही खाने के लिए दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। इस तरह से दिन व्यतीत होते गए, लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बोलती। वह अपनी तुलसी जी की सेवा बड़ी ही श्रद्धा से करती रहती। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते रहे। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह भी पक्का हुआ। विवाह के दिन जैसा कि भाभी अपनी ननद को ताना देती थी उसने वैसा ही किया। जब बारात आई और बारातियों को खाने के लिए बैठाया गया तो उसकी भाभी बारातियों के बीच में तुलसी का गमला लेकर आई और वहाँ पर तुलसी का गमला फोड़ दिया और उन सब से खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। वहीं भाभी ने गहनों के नाम पर ननद को तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने और जवाहरात के गहनों में बदल गए। फिर भाभी ने वस्त्र के स्थान पर उसे तुलसी का जनेऊ पहना दिया। वह जनेऊ भी रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। इस तरह से ननद की शादी हंसी खुशी तुलसी माता की कृपा से संपन्न हो गई। फिर ननद जब अपने ससुराल पहुंची तो तुलसी माता की कृपा से उसके बहुत सदान दहेज हो गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात जब भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह कहने लगी कि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं दिया, केवल तुलसी के पत्ते ही दिए हैं, लेकिन इसके यहाँ पर इतना दान दहेज कैसे हो गया। तब भाभी भी तुलसी जी के पूजन का महत्व समझने लगी। वहीं भाभी के एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी अब से तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ ही की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से तुलसी जी की सेवा करने के लिए कहती, उसकी लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता। धीरे धीरे इसी तरह से दिन व्यतीत होते गए। बड़ी होने पर जब उसकी लड़की के विवाह का समय आया तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही मैं अपनी लड़की के साथ करूंगी, तो यह भी सभी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे, ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत होगी। यह सोचकर जब बारात आई तो उसने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार तो गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। फिर उसने अपनी लड़की को मंजरी से बनी हुई गहने पहनाए, लेकिन उसके गहने भी नहीं बदले, वे मंजरी ही रहे। फिर जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोगों तथा बारातियों ने उनकी बहुत बुराई की। वहाँ पर भोजन ठीक से नहीं मिलने के कारण सभी बाराती रुष्ट होकर चले गए। फिर किसी तरह से लड़की का विवाह संपन्न हुआ और जब वह अपने ससुराल पहुंची तो वहां भी उसे किसी प्रकार का कोई दान दहेज नहीं मिला। ससुराल में सभी लोगों का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं था। बाराती द्वारा भाभी की बुराई की गई और लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करने लगे। इस प्रकार से वह लड़की अपने ससुराल में दुखपूर्वक रहने लगी। वहीं भाभी अपनी ननद को कभी भी घर पर नहीं बुलाती थी। तब भाई ने सोचा कि क्यों न मैं अपनी बहन से उसके घर पर ही जाकर मिल लूं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बांध दो, मैं अपनी बहन के पास लेकर जाऊंगा। तब उसकी भाभी ने थैले में ज्वार भर दिया और कहा कि कुछ नहीं है, तुम यहीं लेकर चले जाओ। तब वह दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया और वह सोचता रहा कि क्या कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जाता है। यह सोच सोच कर वह एक गौशाला के पास रुका और जिस थैले में ज्वार थी वह उसने गाय के सामने उल्टा पटक दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं। तब भाई को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने फिर से अपने थैले में वो हीरे मोती और जवाहरात भर लिए और वह अपनी बहन के घर खुशी खुशी आ गया। बहन के घर आकर उसने थैला अपनी बहन को दिया और उसने रास्ते में हुई सारी बातें बताई। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब उसकी बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, भाभी से कहना कि यदि उन्होंने पूरी श्रद्धा से माँ तुलसी की सेवा की तो उन्हें फल अवश्य ही मिलेगा, यदि उन्होंने लोभ लालच में आकर माँ तुलसी की सेवा की तो उन्हें फल नहीं मिलेगा।
तब उसके भाई ने कहा ठीक है, और उसने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें कह सुनाई और उसने यह भी बताया कि उसकी बहन के घर चारों तरफ हर प्रकार की मौज है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तब उसकी भाभी ने ननद के कहे अनुसार तुलसी जी का व्रत रखना शुरू किया और इस बार उसने पूरी श्रद्धा और मन लगाकर तुलसी जी की सेवा की। धीरे धीरे उसकी बेटी भी तुलसी जी की सेवा करने लगी। इस प्रकार से ननद भाभी सबने मिलकर तुलसी जी की सेवा की और फिर तुलसी जी उन पर बहुत प्रसन्न हुई। बोले तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, जैसे आप उन पर प्रसन्न हुई वैसी ही सब पर होना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और परिवार के सभी लोगों पर प्रसन्न होना। बोलो तुलसी माता की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। ये थी आज की कथाएँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूजा यदुवंशी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी चैनल पर इसी तरह की कथाएँ प्रतिदिन सुनने को मिलती रहेगी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।